HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंदौर नाके के पास गुरुवार शाम को एक वाहन चालक युवती उस समझ घबरा गई, जब उसने अपनी मोपेड के मीटर में नागिन को हलचल करते देखा। युवती ने घबराकर गाड़ी को सड़क पर फेंक दिया। यह नजारा देखकर लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया। मोपेड से करीब 1.25 फीट की नागिन को बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। गुरुवार शाम करीब 5 बजे रामेश्वर रोड निवासी सुष्मिता सेन मोपेड वाहन से घर की ओर जा रही थी। इंदौर नाके के पास से गुजरने के दौरान उसकी नजर मोपेड के मीटर के पास बैठी नागिन पर पड़ी। सुष्मिता ने सतर्कता दिखाते हुए गाड़ी छोड़ दी। यह देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। घबराई सुष्मिता ने मोबाइल पर पिता को घटना की जानकारी दी और ऑटो से घर रवाना हो गई। यहां पहुंचे युवती के पिता राजेंद्र सेन ने सांप पकड़ने वाले बसंत को मौके पर बुलाया। मोपेड का अगला हिस्सा खोलकर नागिन को बाहर निकाला जा सका। बसंत ने बताया कि यह उड़ने वाली प्रजाति की जहरीली नागिन है। नागिन को जंगल में छोड़ दिया गया।